1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज बस सुनवाई जुमला था आरा का कि वो मिलेगा, कि एक दिन बिहार बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा, कि 24 के पहले विशेष राज्य का दर्जा कम से कम, कि हे प्रधानमंत्री जी आज कम से कम सत्य की धरती पर झूठ की खेती मत करिए। आप घोषणा करके जाएं जो पूरा भारत कर्ज से लदा हुआ है, जिसमें 90% से ऊपर जा चुके हैं हम लोग, श्रीलंका और बांग्लादेश की ओर हम बढ़ रहे हैं, महंगाई की स्थिति श्रीलंका की ओर, तो यह बता दें बिहार को कि 24 के पहले विशेष राज्य का दर्जा कम से कम, या भी फिर झूठ बोलने चुनाव के पहले, बाढ़ से मुक्ति का भी झूठ बोल लें, 24 में चुनाव है, या जो खर्च हो रहे हैं शताब्दी पर, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब जिस चिन्ह का उद्घाटन किया गया, जो आप कभी नहीं देखे होंगे कि बाघ इतना बड़ा मुंह खोला हुआ कहीं है, पहली बार इसमें लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को करना था, अब यहां भी विधानसभा में इसको भी लोकसभा अध्यक्ष को करना था। चुनाव में और चुनाव के पहले जो आपने वादे किए थे बिहार को लेकर, उसमें विशेष राज नंबर 1, विशेष पैकेज नंबर 2, बिहार में राष्ट्रीय बहुकौशल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा आपके पहले बजट में किया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वह कहां लापता है, कब बनेगा। जमालपुर में 1927 से स्थापित रेलवे अभियंत्रण कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा आपके पहले मंत्रिमंडल में हुई थी, वो कब बनेगा। पटना में आपके सारे सांसद विधायक हैं, शहर की सत्ता पर आपकी पार्टी लगातार 20 सालों से कब्जा है, फिर पूरे बिहार का स्मार्ट सिटी जो आपने घोषणा किया था उसका क्या हुआ, वो कब बनेगा स्मार्ट सिटी, जबकि नगर विकास नगर मंत्रालय, पटना सबसे प्रदूषित और गंदा शहर क्यों है, इस पर आप कभी नहीं बोले। बिहार के मुख्यमंत्री ने आपसे पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगा, आप झांसा देकर उस वक्त निकल गए, विश्वविद्यालय को क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आप देंगे। देवघर में एम्स आप ढिंढोड़ा पीट रहे हैं, शिलान्यास हम ही किए, उद्घाटन हम ही करेंगे, तो क्या दरभंगा में बनेगी या नहीं। 1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज बस सुनवाई जुमला था आरा का कि वो मिलेगा। बिहार में कई एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बन गए, तो क्या हुआ भागलपुर का, पूर्णिया का, रक्सौल का, सहरसा का, जो एयरपोर्ट हमारे यहाँ बननी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 दरभंगा के बाद पूर्णिया और भागलपुर और फिर रक्सौल, तो क्या बिहार के एयरपोर्ट के बारे में कुछ आपकी ओपिनियन है। कहा था कि किसी भी कीमत पर आर्थिक पैकेज बंद पड़े फैक्ट्री के लिए देंगे, तो क्या चीनी मिल के लिए आपने जो वादा घोषणा किया था मोतिहारी में बगहा में, कि हम दोबारा मोतिहारी के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, चीनी मिल नहीं खुलेगी, तो क्या सब जुमलेबाज था। पूर्णिया का चीनी मिल आप और नीतीश कुमार जी जब बाढ़ के समय हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे तो 500 करोड़ की मात्र घोषणा, 5000 करोड़ का नहीं 500 करोड़, वह पैसा कहां गया। आप
बार में नीतीश कुमार जी ने आपसे फरक्का ब्रिज को तोड़ने का डिमांड जो पप्पू यादव का सब दिनों से है कि एक दिन बिहार बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। 70% गाद जम चुके हैं नदी में और ये वादा नरेंद्र मोदी जी आपने की थी। क्या बंगाल और बिहार को बचाने के लिए फरक्का बांध का आप चौड़ीकरण करेंगे या उसको वहां से हटाएंगे या नहीं? कोसी बैरेज पर जो गाद जमा है उसका चौड़ीकरण होगा या नहीं, आपने ही वादा किया था। क्या हुआ? सबसे पहले आपने कहा था कि जब हम आएंगे तो बिहार से पलायन नहीं होगा। आपके आने के बाद 3 गुना पलायन बिहार से मजदूरों की। तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हे प्रधानमंत्री जी, आज कम से कम सत्य की धरती पर झूठ की खेती मत करिए। बिहार में विशेष राज, बिहार की परिबंध फैक्ट्री, रोजगार के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड है बिहार में रोजगार। सीमांचल जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, मिथिलांचल, हम डिमांड करते हैं कि एक अलग से विशेष पैकेज की घोषणा, बाढ़ प्रभावित होने के चलते जो हर साल आधी से अधिक आबादी बर्बाद हो जाती है उसके लिए प्रधानमंत्री एक विशेष पैकेज दे। धन्यवाद।